उत्तर प्रदेश के अमेठी में कल देर शाम भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात एम ए खान की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अमेठी कोतवाली के मरफापुर पहुंचाया गया। घर परिवार के साथ पूरा गांव शोक में डूबा था। सूचना पर डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद से आए सैनिकों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ मृतक सैनिक के पार्थिव शरीर के ऊपर कफन रूपी तिरंगा डालकर आखिरी सैल्यूट करते हुए सुपुर्द खाक किया। मैं सूबेदार मेजर एम ए खान का छोटा भाई हूं, मरफापुर जिला अमेठी का रहने वाला हूं। ये हमारे भाई सूबेदार मेजर एम ए खान 627 सीएमई बटालियन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सर्विस करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा इनको इन्फेक्शन हो गया था जवान में, तो इनका ट्रीटमेंट कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में चलता रहा। वहाँ से डिस्चार्ज करके ये घर आ गए थे। 2 महीने की छुट्टी 24 फरवरी को इनको जाना था। इस बीच में इनकी पुनः तबीयत खराब हो गई है इनसे, तो मैं इनको फर्स्ट एड देने के लिए मुंशीगंज हॉस्पिटल ले गया। मुंशीगंज में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कि सांस की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इनको अटैक भी पड़ा है हल्का सा, इनको आप लखनऊ ले जाइए। तो मैं इनको लखनऊ कमांड हॉस्पिटल लेके गया, जो कि इनका अपना अस्पताल होता है। कमांड लेके गया, वहाँ पर एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में ट्रीटमेंट हुआ, तुरंत ही डॉक्टर ने इनको आईसीयू में लेकर के वेंटिलेटर पे लिया। उसके बाद में सुबह में करीब 8:30 बजे पहुँचा हूँ। दिन भर रहे, रात भर रहे और फिर दिन भर रहे, शाम को करीब 5:30 या 6 बजे ये इनकी डेथ हो गई।